नमस्ते बच्चों, सी एल एस के सीबीएसई स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है बच्चों? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी कि एक नाम, किसी का भी नाम। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। देखिए यहाँ पर, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। अब इस वाक्य में कितने सारे नाम पद हैं? देखिए, राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वास्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण का नाम है। एक ही वाक्य में हमें कितने सारे नाम मिले बच्चों? समझ में आ रहा है? संज्ञा यानी कि नाम पद, जिसे आप करना में भी उसको नाम पद, किसी का भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो स्थान का हो, या वस्तु का हो, या किसी के गुण का हो, उस नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। समझ में आया यहाँ पर? राम ने, यहाँ पर देखिए, राम यानी कि व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है, सुंदरता जो है वो गुण का नाम है। सुंदरता मन की हो, चेहरे की हो, वो गुण का नाम है। ठीक है, तो नाम की परिभाषा यानी कि संज्ञा की परिभाषा हम किस प्रकार करते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा। समझ में आ रहा है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के और दो उदाहरण आते हैं, यानी कि दो भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के। और दो भेद वो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक इन संज्ञाओं का हम क्या करेंगे? विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पहला जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराता है। जो शब्द किसी विशेष, वो विशेष होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, यहाँ पर मोहन, राजेश, कमल, जयपुर, भारत, ऐसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है। उसमें से एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा है, मोहन पाठशाला जाता है। इसमें मोहन यह संज्ञा शब्द है। इसी के साथ साथ दूसरा अगर हम उदाहरण लिए जाए तो हिमालय भारत का गौरव है। हिमालय भारत का गौरव है। ठीक है, एक वाक्य है। अब इसमें हिमालय एक पर्वत का नाम है, भारत एक देश का नाम है। ये दो शब्द जो है वो संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत यह धार्मिक ग्रंथ हैं। अब मैंने यहाँ पर विशेष रूप से कुरान, बाइबल, रामायण और महाभारत का नाम लिया, तो वहाँ पर जो ये चार शब्द हैं ये संज्ञा शब्द कहते हैं। समझ में आया? देखिए, और एक उदाहरण देती हूँ मैं। ताजमहल दिल्ली में स्थित है। ताजमहल दिल्ली में स्थित है। स्थित यानी कि वहाँ पर वो है, स्थित है, स्थापित है। यहाँ पर देखिए, ताजमहल, विशेष रूप से हम ताजमहल के ऊपर
अंडरलाइन किया है, उसी के साथ साथ दिल्ली, ये जो है एक शहर का नाम है, ताजमहल एक वास्तु का नाम है, तो ये क्या है, ये विशेष है, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया, विशेष रूप से। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए, जिन शब्दों से किसी जाति यानी कि किसी वर्ग के संपूर्ण प्राणियों वस्तुओं स्थानों आदि का बोध होता है। संपूर्ण वस्तु व्यक्ति प्राणी इन सब का हमें क्या होता है, संपूर्ण मतलब एक समाज का बोध जहाँ पर होता है हमें, एक ही समाज में, जैसे कि अलग अलग जातियाँ होती है देखो धर्म में, जैसे कि जैन समाज, लिंगायत समाज, ब्राह्मण समाज, ऐसे समाज होते हैं ना बच्चों, वो एक जातिवाचक शब्द है, हाँ, उस जाति के लिए वो एक शब्द दिया गया है। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि नगर, नगर यह एक जातिवाचक शब्द है। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ मैं, दिया है मैंने यहाँ पर, मछलियाँ तैर रही हैं तालाब में, मछलियाँ तैर रही हैं, मछली ये एक जातिवाचक शब्द है। हम हर एक मछली का अलग अलग रूप से नाम लिया क्या मैंने यहाँ पर, नहीं, सबको मैंने क्या कहा, मछलियाँ, वो मछली है, मछली यह एक जातिवाचक शब्द है। उसी के साथ साथ घोड़ा, घोड़ा, हाँ, हर एक घोड़े का एक नाम होता है अपना अपना, वो जो भी घर में मतलब जिसी के भी घर में वो हो तो वो अलग अलग नामों से उनको बुलाते हैं, लेकिन घोड़ा यह जो शब्द है, घोड़ा जो शब्द है, हर एक उसी के मतलब उस प्राणी को उस वो नाम दिया गया जो घोड़ा है, कि हॉर्स, वो एक जाति, घोड़ा एक जातिवाचक शब्द है। भाई बहन, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहे, उस बहने भाई लोग ऐसे जो रहते हैं ना, वो जातिवाचक शब्द है। देश जातिवाचक शब्द है। एक उदाहरण और एक देती हूँ देखो बच्चों, यहाँ पर मैं, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, अब ये बंदर जो है वो पूरे बंदर जाति के लिए हमने एक शब्द उपयोग किया है, तो ये जातिवाचक हो गया। बंदर ये प्राणी है, इस प्राणियों में बंदर, घोड़ा, कुत्ता, मछली, ये सब क्या है, अलग अलग जाति के प्राणी हैं, तो ये जातिवाचक शब्द है। ठीक है, अब ये जातिवाचक, उसी के साथ साथ पेड़, पेड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पेड़ अलग अलग होते हैं बच्चों, अलग अलग पेड़, बरगद का होता है, पीपल का होता है, आम का होता है, जामुन का होता है ना, मैंने सभी के लिए मैंने क्या किया, पेड़ यह एक ही शब्द उपयोग किया है, तो ये पेड़ जो है वो जातिवाचक शब्द है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, पूरे जाति के लिए, पूरे वर्ग के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे जातिवाचक शब्द कहते हैं। समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, पूर्ण जाति के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है, पूर्ण जाति, पूर्ण उस वर्ग के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है, वो जातिवाचक शब्द कहलाता है। समझ में आया, ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में, शब्द से प्राणियों वस्तुओं से गुणधर्म दशा कार्य मनोभाव आदि का बोध होता है, यानी कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो तथा स्थान हो, इनके गुण दोष अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है, यानी कि गुण धर्म दशा कार्य मनोभाव। महत्वपूर्ण बात यह यहाँ पर एक है कि भाववाचक संज्ञा को हम अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं उसे, ना ही हम देख सकते हैं। हमारे मन में एक आनंद, एक खुशी है,
क्या हम किसी को देख रहे हैं, खुशी कहाँ झलक रही है यहाँ पर देख रहे हैं क्या? नहीं ना, हमारे मन में वो खुशी है, वो हमारे चेहरे पर दिखती है। मतलब एक आपके कक्षा में कोई एक लड़का हाइटेड है, पूरा लंबा है ना, वो उसका उसका गुण है, वो लंबा दिखता है, वो गुण है। हाँ, ये भाववाचक संज्ञा है, जैसे कि सुंदर, मोटापा, पतला, परोपकारी, मिठास, लड़कपन, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं कि देखिए, सबसे प्रेम से बोलो, क्या उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर, सबसे प्रेम से बोलो, ठीक है, सबसे प्रेम से बोलो। अब प्रेम ये जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अब प्रेम आपको दिख रहा है नहीं, आप उसको अनुभव करते हो बच्चों, है ना, प्रेम यहाँ पर दिखता नहीं, उसको आप अनुभव करते हो। जिस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा में देखा कि किसी भी वस्तु का नाम, विशेष वस्तु का नाम वो व्यक्तिवाचक कहलाता है, विशेष जाति का नाम हम पेड़ को देख सकते हैं, है ना, वो उसको हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा में हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं बच्चों, हाँ, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। समझ में आया? और एक उदाहरण ले सकते हैं हम, गन्ने कितने मीठे हैं, गन्ने कितने मीठे हैं, उस मिठास को हम अनुभव कर सकते हैं, नहीं किसी को दिखा सकते कि मीठा है कितना, है ना। तो समझ में आया, भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान का गुण, दोष, दशा, कार्य, मनोभाव, मन के भाव जो होते हैं उसका बोध होता है, वो हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पर जो चौथा है समूहवाचक संज्ञा, ये जो जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड, समूह या समुदाय का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड, समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। झुंड यानी कि ग्रुप, जहाँ पर मतलब 10-12 लोगों का ग्रुप होता है, दो से ज़्यादा लोग जहाँ पर हमें दिखते हैं वो हमें ग्रुप कहते हैं, है ना, या समूह कहते हैं, या किसी समुदाय में बहुत सारे लोग फंक्शन कर रहे हैं, हाँ, ऐसे जैसे कि कक्षा हो, सेना हो, वर्ग हो, परिवार हो, फूलों का गुलदस्ता हो, संघ हो, पुलिस हो, ये सब क्या कहते हैं, समूहवाचक। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, समूहवाचक, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा, मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, कक्षा में 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा जो है पूरे वर्ग के लिए, उस बच्चों के लिए हमने क्या कहा यहाँ पर, कक्षा यानी कि क्लास, ठीक है। ये क्या कहता है, समूह यानी कि 40 बच्चों का एक कक्षा है, 40 बच्चों का एक वर्ग है। अब यहाँ पर हमें उस कक्षा, ये जो समूहवाचक, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, समझ में आया, समूहवाचक, वहाँ पर हमें कौन सा फील होता है, झुंड, समूह या समुदाय, बहुत सारे एक ग्रुप हमें दिखाई देता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, पदार्थवाचक यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य का बोध हो, धातु यानी कि सोना, चांदी, मेटल्स, समझ में आ रहा है, लोहा हो, तांबा हो, कोई कुछ भी, जो भी धातु है, पदार्थ यानी कि खाने की चीज़ होती है, जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य यानी कि पानी हो, दूध हो, घी हो, तो ऐसे शब्दों का जब वहाँ पर बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, घी, दूध, अन्न, चीनी, जो है ये सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। हाँ, अब यहाँ पर मैंने एक हिंट दिया है,
नापतोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द। पदार्थ अथवा संज्ञा क्या है? नापतोल। नापतोल कर हम बाजार में जाते हैं, नापतोल कर जो चीज़ें लेते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? पदार्थ। हाँ, घर में जो भी हम माँ खाना बनाती है उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। और उन संज्ञाओं के जो नाम होते हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि घी हो, दूध हो, अन्न हो, चीनी हो, लोहा हो, लोहा सोना, ये जो धातु हैं ये इनको भी पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो बच्चों संज्ञा यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, है ना? तो अब हम अगली कक्षा में हमारे एक नए पाठ के साथ आएंगे बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। हाँ, धन्यवाद।